अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल अमीन और आज हम बात करेंगे अफ्रीकन ग्रे पैरट के बारे में, इसकी म्यूटेशन और लाइफ स्पैन, प्राइजेस, सब चीज़ों की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आज हम बात करते हैं अफ्रीकन ग्रे पैरट के बारे में। तो ये इसका ऑफिशियल नाम कह लें तो इसे कोई कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे पैरट भी कहता है और अफ्रीकन ग्रे पैरट भी और कुछ ग्रे पैरट भी सिंपल कह देते हैं। तो ये जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये ग्रे कलर का होता है। इसका जो साइज़ होता है वो 400 से 500 ग्राम तक इसका वेट होता है और 33 सेंटीमीटर तक लेंथ होती है। तो ये मीडियम साइज़ का एक परिंदा है कि बड़े तो मकाओ हो जाते हैं, छोटों में बजरी वगैरह आ जाते हैं। तो ये मीडियम साइज़ का परिंदा है जो कि 33 सेंटीमीटर का लंबा होता है। इसकी टेल भी मिला के अंदर शामिल कर ली जाए तो अच्छा। अगर हम इसके मेल फीमेल की बात करें तो मेल फीमेल दोनों एक जैसे होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, दिखने में कोई फ़र्क नहीं लगता। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना आइडेंटिफाई हो सकते हैं, डीएनए टेस्ट से ही हो सकते हैं और कोई मेरे ख्याल में चारा नहीं है। हाँ, अगर कोई इनके आदात वगैरह देख के बता सके कि ये मेल है ये फीमेल है, वो भी अंदाज़ा ही लगा सकता है और इसमें कुछ नहीं कर सकता। सो जो मेन है वो तो यही है कि डीएनए टेस्ट ही होता है। मोस्टली लोग डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं और तब उन्हें पता लग जाता है मेल फीमेल का, वैसे पता नहीं लग सकता। अच्छा, तो अगर इनके हैबिटेट की बात करें जाएँ तो ये अफ्रीका के नेटिव हैं, अफ्रीका में मोस्टली पाए जाते हैं, एज़ उनका नाम भी यही इंडिकेट करता है, अफ्रीकन ग्रे पैरट। सो ये मेनली कॉन्गो, केन्या, युगांडा, ये अफ्रीका के एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादातर ये पाए जाते हैं ये ग्रे पैरट्स। और अब हम बात करते हैं इनकी म्यूटेशंस की। तो म्यूटेशन में तो सबसे पहले जो कि आप तस्वीर में देख भी रहे हैं, ये सिंपल कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे जो होता है, कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे भी कह देते हैं, कॉन्गो एक्चुअली में जगह का नाम है जहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसका नाम कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे रखा हुआ है। तो ये तो सिंपल होते हैं जो ग्रे कलर के होते हैं और रेड इनकी पूछल जो होती है वो रेड होती है। सेकेंड म्यूटेशन में आ जाते हैं कम्प्लीट रेड। ये म्यूटेशन काफ़ी रेयर है और बहुत ही कम, इक्का दुक्का ही दुनिया में है। ये कंप्लीट रेड होते हैं कलर में, फुल जो ग्रे होता है वो सारा रेड में तब्दील हो जाता है। अब हम नई म्यूटेशन की बात करते हैं, ये है रेड पाइड रेड फ्लाइट फैदर्स। तो ये पाइड जो है वो होता है कलर इसका, तो इसमें जो है ना पाइड होता है रेड और ग्रे के अंदर, इसके फेस पे या मिक्स होता है कलर बिल्कुल, इसकी बॉडी ग्राउंड कंप्लीट मिक्स होता है। तो नेक्स्ट म्यूटेशन की बात करते हैं, नेक्स्ट है इनो, अल्बिनो भी कहते हैं इसे। ये कंप्लीट वाइट होता है और रेड इसकी टेल होती है, टेल उसी तरह जिसमें ग्रे पैरेट की होती है नॉर्मल टेल उसी तरह रेड होती है, लेकिन ऊपर से जो ग्रे कलर होता है वो सारा का सारा रिप्लेस हुआ होता है वाइट से, तो इसलिए फिर इसे अल्बिनो या इनो कह देते हैं इस म्यूटेशन को। और भी काफ़ी ज़्यादा इसकी म्यूटेशन होती हैं लेकिन ये काफ़ी रेयर म्यूटेशन होती हैं, इस वजह से ज़्यादा वो देखने में भी सामने नहीं आती, लेकिन मोस्टली यही होती हैं, ये भी काफ़ी रेयर हैं, ज़्यादातर ये ग्रे में ही पाया जाता है, वो अफ्रीकन कॉन्गो ग्रे जो है। अब हम इसकी डाइट की बात करें तो ये डाइट में तकरीबन सब वही सब कुछ खाता है जो एक नॉर्मल पैरट खाता है, फ्रूट्स वगैरह इनकी प्राइमरी होती हैं डाइट, उसमें बर्ड्स, पैलेट, सीड्स, फ्रूट सीटीसी, ये सब कुछ उसमें शामिल होता है। मेनली ये सनफ्लावर सीड्स जो है ना वो खाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। अब बात करते हैं एडल्टहुड की। तो ये जो पैरट है ये एडल्ट हो जाता है तकरीबन 2 साल के अंदर, और इसे तकरीबन 4 साल चाहिए होते हैं परफेक्ट होने के लिए, ब्रीडिंग के लिए। तो जो जुवेनाइल्स होते हैं, जो यंग होते हैं, हमें अपनी ज़ुबान में पट्ठे कह देते हैं, जो पट्ठा होता है वो तकरीबन एक ही जैसा होता है एडल्ट और बड़े में, या उसमें फ़र्क नहीं होता, एक ही जैसा होता है थ्रू आउट। मतलब कि जैसे अगर हम बात करें रिंग नेक्स की, तो वो छोटे होते हैं, उनकी रिंग्स नहीं होती मेल की, तो वो बड़े होते हैं तो वो रिंग आ जाती है, तो ऐसा कोई इसमें नहीं होता। हाँ, आइज़ का होता है, आइज़ के अंदर रिंग का होता है, वो आ जाती है ज़रूर। अब हम इसकी ब्रीडिंग की बात करते हैं। तो ब्रीडिंग सीज़न इसका शुरू होता है जुलाई से अप टू जनवरी नेक्स्ट ईयर तक। मोस्टली तमाम पैरट्स की तरह ये भी जो ब्रीडिंग है वो विंटर्स में ही करते हैं,
जुलाई से लेके जनवरी तक ये करते हैं ब्रीडिंग। और जो फीमेल होती है वो 3 से 5 तक अंडे देती है एक क्लच में, और जिनको तकरीबन 30 दिन लगते हैं हैच होने के लिए। और इतनी देर में, इतने मतलब 30 दिनों के अंदर वो उसका जो साथी होता है वो इसको खिलाता पिलाता है, जो भी करता है। अगर चिक्स की बात की जाए तो चिक्स वीन हो जाते हैं 12 मंथ्स में, वही नॉर्मल जो रिंगनेक्स के या रा अलेक्जेंड्रीन के जो हैं वो भी तकरीबन 12 वीक ही लेते हैं वीन होने में, तो ये भी 12 वीक ही लेते हैं। अगर एज अ पेट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे पेट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है वैसे भी, और टॉकिंग के लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, एज अ पेट की बात की जाए तो अफ्रीकन ग्रे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंपेनियन है ह्यूमंस का, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है, बहुत ज़्यादा लोग इसे रखते हैं, और काफ़ी इंटेलिजेंट बर्ड है अगर देखा जाए तो। अच्छा, ये भी वो टॉकिंग वाला तोता है, ये भी मिमिक कर सकता है साउंड्स को, और स्पेशली ये तो आइडेंटिफाई कर सकता है ह्यूमंस को बाय देयर वॉइसेस। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा, अगर एक दो बंदे घर में रह रहे हैं और ये है साथ, तो ये दोनों की आवाज़ों में डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ये आवाज़ किसकी है, आवाज़ से पहचान सकता है इसको, आसान लफ्ज़ों में कहें तो। अफ्रीकन ग्रे जो है इसको कंसीडर किया जाता है मोस्ट इंटेलिजेंट स्मार्टेस्ट टॉकिंग पैरट इन द वर्ल्ड, और हालिया भी यही है, अभी भी अगर आप गूगल कर लें जाके तो यही मिलेगा कि अफ्रीकन ग्रे जो पैरट है वो मोस्ट इंटेलिजेंट है टॉकिंग पैरट्स में से इस पूरे दुनिया में। अगर बात की जाए आइंस्टाइन की तो ये अफ्रीकन ग्रे पैरट फीमेल पैरट है, जो कि इस टाइम मेरे ख्याल में 30 ईयर्स के अराउंड इसकी एज हो चुकी है, और ये अप टू 200 वर्ड्स याद हैं इसे, इसकी वोकेबलरी में है, और ये काफ़ी मशहूर है, इसकी डॉक्यूमेंट्रीज आई हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा ये प्रोग्राम्स वगैरह में इन है और इन होती रही है। और इसके अलावा और भी हैं, कुछ प्रूडल नाम है, ग्रिफ्टन और एलेक्स, ये कुछ और अफ्रीकन ग्रे पैरट्स के नाम हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को नॉन है काफ़ी ज़्यादा। तो एक ये आइंस्टाइन की वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में है, लिंक में दूंगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, इसके आइंस्टाइन की स्पीकिंग एबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जो ग्रे पैरट है वो कितना ज़्यादा टॉकिंग टॉक कर सकता है। अच्छा, इसकी कंजर्वेशन की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इन डेंजर है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक ये इसको इन डेंजर स्पीशीज़ में काउंट किया जाता है। उसका मेन रीज़न वही ह्यूमंस हैं, उनका ट्रेड टू द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये अफ्रीका से वहाँ से पकड़ पकड़ के यहाँ पूरी इंटरनेशनल ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये फिर बेचते हैं, और काफ़ी एक्सपेंसिव बेचते हैं, जिसकी वजह से ये इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसके लाइफ स्पैन की बात की जाए तो लाइफ स्पैन इसका काफ़ी अच्छा खासा है, इसका लाइफ स्पैन तकरीबन 40 से 60 ईयर्स तक का होता है, और जो वाइल्ड का लाइफ स्पैन है वो ज़ाहरी बात है कम होता है, क्योंकि खुराक वगैरह ये वो इनको ख़ुद को ढूंढनी होती है, तो काफ़ी टाइम बहुत मसले आ जाते हैं, जिसके जिसकी वजह से एवरेज इनका लाइफ स्पैन वाइल्ड में जो है वो 23 ईयर्स है। और अगर कैप्टिविटी में रखा जाए अपने पास एज एन पेट्स, तो मतलब कि इंसान केयर करता ही है, और उस तरह इसकी फिर 40 से 60 ईयर्स तक इसकी लाइफ स्पैन है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत टॉकिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा ही कॉमन, और कहा जा सकता है उसे मतलब बहुत ब्रिलियंट टॉकर है, इस वजह से इसकी प्राइस वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। पाकिस्तान में इसकी प्राइस तकरीबन कोई 50,000 के अराउंड से स्टार्ट होती है, और 80,000 टू अप टू 1 लाख तक इसके पेयर, अडल्ट पेयर की प्राइस हो जाती है। अगर हम यूएसए वगैरह की बात करें तो वहाँ में ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वहाँ पे इसकी $3,000 से $4,000 के अराउंड चिक, और यहाँ कहा जा सकता है कि 4-5 मंथ्स का जो पैरट होता है उसकी प्राइस ये इतनी होती है। और आखिर में ये कि वाइडली अवेलेबल हैं पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में वाइडली अवेलेबल हैं, किसी भी बर्ड मार्केट में आपको इजीली मिल जाते हैं। हाँ, ये कि एक्सपेंस मैटर करता है, कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही कॉमन है, इस वजह से महंगा भी उसी तरह है, और टॉकेटिव काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से ही इसकी महंगाई की जो बड़ी वजह है वो यही है।
चलें, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।